अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा ओवन है ओटीजी, जो हम प्री हीट करेंगे। ये मैंने 180 डिग्रीज में सेट किया है। हमें दोनों रॉड्स गर्म करनी है, तो हम ये बोथ रॉड्स वाले सिलेक्ट कर लिए ऑप्शन, एंड 10 मिनट्स टाइमर सेट कर देंगे हम। तो जब तक हमारा ओवन प्री हीट होता है, तब तक हम अपने पिज़्ज़ा बेस रेडी कर लेते हैं। चलें, ये हमारा ट्रे है, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है अच्छे से, और हमने अब अपना पिज़्ज़ा बेस ले लिया है। आप थिन क्रस्ट ले सकते हो, नॉर्मल जो आती है वो ले लो, जो भी आपको पसंद है। अब हम इस पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा सॉस फर्स्ट डालेंगे, कोई भी ब्रांड के ले सकते हो आप। और ये हम पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं। आज इस वीडियो में मेरे हस्बैंड है, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं पिज़्ज़ा बनाने में। ये देखिए, हमने सॉस लगा ली है, ज़्यादा कम आप अपनी पसंद से लगा लो। ये हमने टोमेटो केचप डाला है, मुझे टोमेटो केचप पसंद है इसलिए डाला है। आपको अगर स्पाइसी थोड़ा पसंद है तो आप रेड चिली सॉस इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी अच्छा टेस्ट देता है। आफ्टर दैट सॉस हम मेयोनीज डाल रहे हैं इसमें। नाउ ये हम अपने पसंद से सॉसेस ऐड कर रहे हैं, आप चाहो तो चीज़ डाल के फिर उसके ऊपर वेजीज डाल सकते हो, वो वेरिएशन सब आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो ना, क्योंकि पिज़्ज़ा में आप कोई भी टॉपिंग्स कर दो, इट जस्ट टेस्ट्स ग्रेट। सो ये मैंने अपने पसंद से डाला है, आपको जो पसंद है आप डाल दो। हाँ, ये मैंने प्लेन मेयोनीज़ डाला है, आप चाहो तो थाउजेंड आइलैंड्स वाले भी डाल सकते हो, एनी मेयोनीज़ विच एवर यू लाइक। स्प्रेड हो गया है, अब हम इसमें वेजीज डालेंगे। ये देखिए, मैंने कुछ रखा है, ये मैंने कॉर्न एंड मशरूम बॉईल कर लिया है, एंड पनीर है, कैप्सिकम एंड स्लाइस्ड अनियंस। 10 मिनट्स के लिए मैंने बॉईल किया था, तो एक एक करके आप उसको अच्छे से डाल दो। पहले हमने कॉर्न डाला है, देन मशरूम, ये तो प्योर वेज जैसा ये है पिज़्ज़ा, आप चाहो तो चिकन डाल दो, कुछ भी डाल दो जो आपको पसंद हो, पेपरोनी, वॉट एवर यू लाइक। ये मैंने अभी हमने स्लाइस्ड अनियंस सजा लिए हैं, एंड इसके बाद हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, बेल पेपर्स, कलरफुल, अगर आपको कलरफुल मिल गया है या आपके पास कलरफुल बेल पेपर्स है तो आप वो डाल दो, वो और अच्छा लगेगा, कलरफुल लगेगा। ये मैंने अब डाइस्ड पनीर डाला है क्यूब्स में काट कर, ये बहुत अच्छा बना था, बहुत यम्मी बना था, तो जितने टॉपिंग्स उतनी टेस्टी होती है। अब हम ओरिगैनो स्प्रिंकल कर रहे हैं इसमें, आपको ज़्यादा कम अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। और अभी रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया हमने, मैंने थोड़ा कम ही रखा है बिकॉज माय हस्बैंड डजंट लाइक रेड चिलीज ऐसे, तो बट मैंने डाल दिया थोड़ा, आप ज़्यादा कम अपने पसंद से डाल लो। नाउ कम्स द चीज़, ग्रेटेड चीज़, इसमें मोज़रेला चीज़, जो भी आपको पसंद हो, पिज़्ज़ा चीज़, मेरे पास नॉर्मल अमूल चीज़ है तो मैंने उसी को ग्रेट करके डाला है, पर ज़्यादा डालें चीज़ बिना, यू नो दिस पिज़्ज़ा विल टेस्ट नथिंग, यही उसका यू नो शो स्टॉपर है, तो चीज़ आप दिल खोल के डालें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पिज़्ज़ा रेसिपी जो मैं करूँगी वो चीज़ बेस्ड पिज़्ज़ा होगा, टॉपिंग मैं लेटर आपको बता दूँगी डिसाइड करके, तो वेट फॉर इट। नाउ ये जो डेकोरेशन है, ये मेरे हस्बैंड थे अपने से पता नहीं कुछ कर रहे थे अकॉर्डिंग टू हिज लाइकिंग, बट मैंने हटा दी थी, सो स्किप दैट।
ही वॉन्टेड सम वेजीज ऑन टॉप ऑफ द चीज़ ऑल्सो, बट मैंने हटा दी थी। अब हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका, सॉरी ओवन प्री हीट हो चुका है, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये गर्म होता है, तो ध्यान से आप ट्रे सेट कर लें। सेट हो गया है और इसको फिर सेम टेम्परेचर पे 180 डिग्रीज विद डबल रॉड जो है हमारा, और इसे भी 10 टू 15 मिनट्स आप के लिए सेट कर दें। आपको एकदम क्रिस्पी चाहिए तो 15 आई थिंक वो है, और आपको इसे सॉफ्ट चाहिए ऊपर से। बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप क्या करो ना, आफ्टर 10 मिनट्स नीचे का रॉड बंद करके ऊपर का रॉड 5 मिनट्स के लिए और चला दो, तो फिर वो भी मज़ेदार होता है। अब ये हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है, टाइम ये हो गया बंद एंड आर पिज़्ज़ा इज़ रेडी। अब हमारा ये ट्रे बहुत गर्म है, ओवन भी बहुत गर्म है, तो ध्यान से आप इसे निकाल लो। ये हमारा यम्मी लुकिंग पिज़्ज़ा रेडी है टू बी सर्व्ड। आप सब इसे ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा बना था एंड आई एम श्योर आपको भी, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, ये हेल्दी है, बिल्कुल बनाइए, खिलाइए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।